जोहार झारखंड रांची ऑब्जर्वर पर में आपका स्वागत है। बुरकुंडा से संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि रामगढ़ जिला के पत्रातू प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के सौंदाडी पंचायत क्षेत्र में 14वें वित्त आयोग के पैसे से स्ट्रीट लाइट 2016-17 में लगाए गए थे। इस लाइट को लगाने में भारी वित्तीय अनियमितता की गई है। इसका खुलासा सूचना अधिकार में 17 जुलाई 2018 को कामताराम को दिए गए दस्तावेज से स्पष्ट हुआ है। पंचायत सेवक कमलनाथ महतो द्वारा दिए गए दस्तावेज देखने से स्पष्ट होता है, स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकारी धन की लूट की गई है। कमलनाथ महतो के अनुसार 51 लाइट 2016 में सौंदाडी पंचायत में लगाए गए, जिसमें एक एलईडी लाइट 4500 रुपये का तथा मेंटेनेंस 4208 रुपये एवं लेबर चार्ज 116.88 रुपये की बिल जमा किया गया। कुल राशि 2,29,500 रुपये का खर्च बतलाया गया है। स्ट्रीट लाइट 2016 में लगा है और जीएसटी 2017 में लागू हुआ है। दिए गए बिल में जीएसटी लगा है, बिल में कोई तारीख अंकित नहीं है। जानकारों का कहना है कि यह एलईडी स्ट्रीट लाइट मात्र 800 रुपये में बाजार में उपलब्ध है, फिर यह बिल में भारी अंतर भारी गड़बड़ी का संकेत दे रहा है और इस मामले का जांच न होना भी एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग पर कोई कार्रवाई होगी? क्या आपका मामला है? सौंदाडी पंचायत में स्ट्रीट लाइट का मामला है जो मैंने टीवी न्यूज के जरिए भी चलाया था, लेकिन अभी सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इनका कार्रवाई किया जाए। कौन पंचायत सेवक है? पंचायत सेवक कमलनाथ महतो जी है। किस जिला का मामला है? पत्रातू प्रखंड रामगढ़ जिला का मामला है। का नाम बता दीजिए। मेरा नाम कामता राम हुआ, मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं पर्यावरण जन कल्याण मिशन का।